नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड 19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 143 हुई। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1116 मामले बढ़े। संक्रमितों की संख्या 17421। पटना एम्स में कोविड 19 के टीके के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू। 18 लोगों का किया गया चयन। महामारी के प्रसार के मद्देनजर दो और जिलों सीतामढ़ी तथा लखीसराय में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लागू। कल से शिवहर जिले में 6 दिनों का लॉकडाउन। और प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश। सुपौल जिले के वीरपुर में रिकॉर्ड 260 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड 19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 143 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 12 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर प्रदेश में आज कोविड 19 के 1116 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17421 हो गई है। आज सबसे अधिक पटना से 228 मामले सामने आए हैं। बेगूसराय से 79, भागलपुर से 78, मुजफ्फरपुर से 76, मुंगेर से 68, गया से 65, रोहतास से 51 और सीवान से 50 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह मधुबनी से 41, पश्चिम चंपारण से 39, भोजपुर से 33, समस्तीपुर से 29, कटिहार और जमुई से 28-28, नालंदा से 24, गोपालगंज से 22 और अरवल से 20 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कैमूर से 18, जहानाबाद और लखीसराय से 17-17, सहरसा और पूर्वी चंपारण से 11-11, खगड़िया से 9, सारण, पूर्णिया और किशनगंज से 8-8 तथा नवादा और मधेपुरा से 7-7 मामलों की पुष्टि हुई है। वैशाली और सीतामढ़ी से 6-6, शेखपुरा से 5, शिवहर से 4, औरंगाबाद, बांका, दरभंगा और सुपौल से 3-3 तथा अररिया और बक्सर से 1-1 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 411 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 12,364 हो गई है। स्वस्थ होने की दर लगभग 71% है। दरभंगा से भाजपा के विधान पार्षद सुनील सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया है। वहीं जदयू नेता अजय आलोक की पत्नी और दोनों बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि वे अपने परिवार के सदस्यों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम क्वारंटीन हो गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल के 4 रेलकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद मंडल कार्यालय के 33 रेलकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। इधर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर समस्तीपुर, दलसिंहसराय और पटोरी व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने 21 जुलाई तक न्यायिक कार्य से अलग रहने का फैसला किया है। शेखपुरा जिले में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के प्रधान खजांची के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बैंक कर्मियों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 महामारी के रिकॉर्ड 28,701 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,78,254 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड 19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 5,53,471 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.01% है। एक दिन में 500 लोगों की मौत के साथ ही देश में कोविड 19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,174 हो गई है। पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज से कोरोना का संभावित टीका कोवैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर एम के सिंह ने बताया कि 18 से 55 साल की 18 स्वस्थ महिलाओं और पुरुषों का चयन किया गया है। इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद इन सभी को वैक्सीन की पहली डोज दी जायेगी। उन्होंने बताया कि पहली डोज के 14 दिनों के बाद दूसरी डोज दी जायेगी। वैक्सीन परीक्षण के लिए एम्स में 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में वैक्सीन बनने की प्रक्रिया को समझाया। पहले टेस्ट होती है सेफ्टी, दूसरी टेस्ट होती है वैक्सीन में। जब वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तब क्या अपना शरीर उस वैक्सीन के इंजेक्शन से इम्यून रिस्पांस चालू होती है कि नहीं। तीसरी, वैक्सीन अगर सेफ हो और इम्यून रिस्पांस इम्यूनिटी देती हो तो क्या वो फील्ड में, जब आप बाहर जाते हैं काम करने में या घर में हैं या ऑफिस में हैं, अगर मान लीजिए वायरस आती है तब वैक्सीन लेने से वायरस से प्रोटेक्शन मिलती है। और जब तक ये तीनों ठीक नहीं है तब तक हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, बाकी एजेंसी से पार्टनर कर रहे हैं, वो वैक्सीन चालू नहीं करें। चालू करने के लिए ICMR और हमारे ड्रग कंट्रोल एजेंसी ये तीन मुद्दों को पूरी तरह से देखेंगे। प्रदेश में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दो और जिलों सीतामढ़ी तथा लखीसराय में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके अलावा शिवहर जिले में कल से 19 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं तीन अन्य जिलों नवादा, बक्सर और सुपौल में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। नवादा और सुपौल में लॉकडाउन को बढ़ाकर 15 जुलाई और बक्सर में 17 जुलाई कर दिया गया है। इधर पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने जिले के सभी नगर निकाय और प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में परसों से 21 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। इन जिलों में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि सार्वजनिक परिवहन सेवा के संचालन में छूट दी गई है। निजी वाहनों का संचालन अति आवश्यक कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। शेष समाचार प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शेष अन्य जिलों में मौसम अगले 4 दिनों तक प्रायः सामान्य बना रहेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य में हवा शुष्क हो रही है, साथ ही चक्रवाती दबाव का क्षेत्र झारखंड की तरफ जा रहा है, जिस कारण स्थितियां सामान्य हो रही हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 260 मिलीमीटर वर्षा सुपौल जिले के वीरपुर में रिकॉर्ड की गई, जो अत्यंत भारी बारिश की श्रेणी में आता है। मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पूर्वी चंपारण, कटिहार, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और आसपास के जिलों में 70 मिलीमीटर से 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बेगूसराय जिले के अहियापुर में एक किसान की मौत हो गई। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार की अधिकतर नदियां उफान पर हैं। कोसी, गंडक, महानंदा, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान, घाघरा, परमान, कनकई और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर इस साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 72 घंटे से अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आगे भी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। कोसी नदी के वीरपुर बराज पर पानी की मात्रा 1,99,000 क्यूसेक से बढ़कर 2,46,000 क्यूसेक हो गई है, जबकि गंडक नदी का जलस्तर वाल्मीकि नगर बराज पर 2,60,000 क्यूसेक हो गया है। इधर कोसी नदी का पानी सुपौल जिले के 6 प्रखंडों के 100 से अधिक गांव में फैल गया है। वहीं शिवहर के बिलवा नरकटिया के पास बनाया गया सुरक्षात्मक बांध ध्वस्त हो गया है। सीतामढ़ी से सुरसंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान सहित 5 प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। इधर अररिया जिले में परमान नदी के तेज बहाव से फारबिसगंज से कुर्साकांटा को जोड़ने वाले गरहा डायवर्जन के टूट जाने से क्षेत्र के लोगों का अनुमंडल मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। मानिकपुर स्थित डायवर्जन बह जाने के कारण मानिकपुर सैफगंज सड़क मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है।
जिले की अन्य बरसाती नदियां भी पूरे उफान पर है। फारबिसगंज, पलासी, कुर्साकांटा, जोकीहाट, सिकटी और अररिया प्रखंड के कई पंचायतों में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। मधुबनी के लदनिया में कटैया नदी पर बने डायवर्जन के टूट जाने से लक्ष्मीनिया, पिपराही और बेलाही का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट, कटरा और औराई में बाढ़ से लगभग 3.5 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। कटरा के बागमती नदी बसघट्टा परियोजना बांध में दरार आने से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। खगड़िया जिले में कोसी नदी का पानी फैलने से फसलों को व्यापक क्षति हुई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में बागमती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर और कोसी नदी 1 मीटर ऊपर बह रही है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि समस्तीपुर में कोसी, कमला और करेह नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जिले के बिथान प्रखंड के 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे लगभग 50,000 की आबादी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन द्वारा फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व स्थित SSB की सीमा चौकी कार्यालय में भी गंडक नदी के बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पूर्वी चंपारण जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक और लाल बकैया सहित जिले की सभी प्रमुख नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। बरसाती नदी पसाह के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के बाद नरकटिया प्रखंड में छौड़ादानो, रक्सौल मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है। गंगा नदी के भी जलस्तर में पिछले 24 घंटों के दौरान तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। वहीं मुंगेर और भागलपुर में जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर और पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में लाल निशान को पार कर गया है। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की। श्री कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिलाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने नदियों के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर स्थिति की लगातार निगरानी और तटबंधों की सुरक्षा पर नजर रखने का निर्देश दिया। इधर जल संसाधन विभाग ने तटबंध में रिसाव, क्षति या कटाव संबंधी सूचना के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। फोन नंबर 1800345614 पर कॉल कर बाढ़ या तटबंध से संबंधित सूचना या जानकारी दी जा सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं की परीक्षा में एक बार फिर छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बोर्ड ने यह परीक्षा परिणाम आज घोषित किए। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग 6% बेहतर रहा। इस वर्ष 88% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbserizult.nic.in पर देखे जा सकते हैं। पटना प्रक्षेत्र से मात्र 74.57% विद्यार्थी सफल घोषित हुए हैं, जो देश के अन्य प्रक्षेत्रों की तुलना में सबसे कम है। 7 निश्चय योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में रोहतास जिले के 18 प्रखंड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर थाना क्षेत्र में मगरमच्छ के हमले में 2 लोग घायल हो गए। बाद में वन क्षेत्र पदाधिकारी ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे फिर गंडक नदी में छोड़ा गया। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के मघेली पंचायत से पुलिस ने 250 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जाती है। जिस वाहन से शराब लाई जा रही थी उस पर चुनाव संबंधी कार्य का स्टिकर लगा हुआ था। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक विद्यालय से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के बगुलवा ढाला के पास से पुलिस ने एक वाहन से 3 क्विंटल गांजा बरामद किया है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के महब्बतपुर गांव से मध्य प्रदेश पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के सरगना सपन कुमार को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड 19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 143 हुई। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1116 मामले बढ़े। संक्रमितों की संख्या 17421।
पटना एम्स में कोविड 19 के टीके के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू, 18 लोगों का किया गया चयन। महामारी के प्रसार के मद्देनजर दो और जिलों सीतामढ़ी तथा लखीसराय में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लागू, कल से शिवहर जिले में 6 दिनों का लॉकडाउन। और प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश, सुपौल जिले के वीरपुर में रिकॉर्ड 260 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिये, सुरक्षित रहिये और सुनते रहिये आकाशवाणी।